मैं हूं बुशा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। कनाडा में माहरीन ने खतरे की घंटी बजा दी। रिपोर्ट में कहा गया है कि मास्को हैकर्स की पुश्त पनाही कर रहा है। हैकर्स मईशत से जुड़े शोबों को निशाना बना रहे हैं। कनाडा का ईरान के साबिक वजीर का रिहायशी वीजा देने से इनकार। इमिग्रेशन मिनिस्टर का कहना है कि मिस्टर हाशमी को कनाडा वापस आने और दाखिल होने से मना किया जाएगा। उनकी कनाडा के माशरे में कोई जगह नहीं है। असातिज़ा की यूनियन हड़ताल के बजाय सालसी का रास्ता इख्तियार करें। ऑन्टेरियो के वजीर तालीम का कहना है कि हम यूनियंस के साथ मुहाइदे को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने जा रहे हैं। तीन यूनियंस ने सूबे की तजवीज़ पर गौर करने से इनकार कर दिया। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा ताकतवर समंदरी तूफान एडेला की जद पर है। समंदरी तूफान एडेला फ्लोरिडा से पहले क्यूबा से टकरा गया। फ्लोरिडा में 6 काउंटीज के लोगों को इलाका छोड़ने की हिदायत जारी कर दी गई। अमरीका में मेडिकल रिपोर्ट्स में तब्दीली। 5,000 साबिक फौजी पायलट्स के खिलाफ तफ्तीश जारी। 60 पायलट्स हवाबाजी के लिए शदीद खतरा थे। तफ्तीशकारों को वफाकी डेटाबेस में तजादात का इंकशाफ हुआ। हेडलाइंस आपने जानी और अब शामिल करेंगे खबरों की तफसील। Laundry is no longer a hassle. Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। Lito Immigration is a regulated Canadian immigration consultant. We deal in study, work, PNP and PR visas. Get startup visas, work permit and business visas. We rise by lifting others. Lito Immigration. एक नई रिपोर्ट में खबरदार किया गया है कि मुनज़्ज़म साइबर क्राइम ग्रुप्स अगले 2 सालों में कनाडा की सलामती और मईशत के लिए खतरा बन सकते हैं। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। कनाडा के लिए खतरे की घंटी बज गई। कौमी सलामती और खुशहाली खतरे में पड़ गई। एक नई रिपोर्ट में खबरदार किया गया है कि मुनज़्ज़म साइबर क्राइम ग्रुप्स अगले 2 सालों में मुल्क की सलामती और मईशत के लिए ख़तरा बन सकते हैं और रैनसम वेयर के हमले अब कनाडा को दरपेश साइबर हमले की सबसे ज़्यादा तबाह कुन शक्ल हैं। मुनज़्ज़म साइबर क्राइम अगले 2 सालों में कनाडा की कौमी सलामती और इक्तिसादी खुशहाली के लिए ख़तरा बनने जा रहा है। रिपोर्ट में कम्युनिकेशन सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट ने रूस और ईरान को साइबर क्राइम की महफूज पनाहगाहों के तौर पर शनाख्त किया है और इम्कान जाहिर किया गया है कि इन ममालिक में मुजरिम मगरबी अहदाफ के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। कैनेडियन सेंटर फॉर साइबर सिक्योरिटी की जानिब से पीर को जारी होने वाली रिपोर्ट में खबरदार किया गया है कि रूस और कुछ हद तक ईरान मगरबी अहदाफ को निशाना बनाने वाले साइबर जराइम पेशावर अफराद के लिए महफूज पनागाहों के तौर पर काम कर रहे हैं। मीडिया ब्रीफिंग के दौरान सरकारी हुकाम ने कहा कि मुजरमाना हैकर्स तालीम, तवानाई, अफादियत और सेहत की देखभाल की सहूलियात को निशाना बना रहे हैं, जो मईशत के लिए अहम है। रिपोर्ट में कहा गया है कि फ्रॉड और ऑनलाइन घोटाले साइबर क्राइम की सबसे आम शक्ल हैं। कैनेडियंस ने गुज़िश्ता साल धोखाधड़ी के 70,000 से ज्यादा वाकयात की इत्तला दी, जो कि मुबैना तौर पर कंपनियों और अफराद से $530 मिलियन से ज्यादा की चोरी से मुंसलिक हैं। हुक्काम ने कहा कि सिर्फ 10% मुतासरीन ही इस तरह के हमलों की इत्तला देते हैं और ये कि $530 मिलियन का आदाद शुमार कम अंदाजा हो सकता है। कम्युनिकेशन सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट का कहना है कि मुनज़्ज़म साइबर क्राइम मुमकिन तौर पर अगले 2 सालों में कनाडा की कौमी सलामती और मुआशी खुशहाली के लिए खतरा होंगे। रैनसम वेयर तकरीबन यकीनी तौर पर कनाडा को दरपेश साइबर क्राइम की सबसे ज्यादा तबाहकुन शक्ल है, क्योंकि ये वसी है और किसी तंजीम के काम करने की सलाहियत पर संगीन असर डाल सकता है। मास्को ने मुसलसल इस बात से इनकार किया कि वो हैकिंग की कार्रवाइयां करता है या उसकी हिमायत करता है। तेहरान मुमकिन तौर पर ईरान में मुकीम साइबर क्राइम की सरगर्मियों को बर्दाश्त करता है। उसने मजीद कहा कि साइबर मुजरिम जो रियासत के स्ट्रेटेजिक और नजरियाती मफाद से हम आहंग है।
कनाडा के इमिग्रेशन के वजीर मार्क मिलर ने ऐलान किया है कि कनाडा हुकूमत के इंसानी हकूक के रिकॉर्ड का हवाला देते हुए ईरानी साबिक वजीर सेहत को 36 माह के लिए कनाडा का आर्जी रिहायशी बनने से रोकेगा। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। कनाडा के इमिग्रेशन के वजीर मार्क मिलर ने ऐलान किया है कि कनाडा हुकूमत के इंसानी हकूक के रिकॉर्ड का हवाला देते हुए ईरानी साबिक वजीर सेहत को 36 माह के लिए कनाडा का आर्जी रिहायशी बनने से रोकेगा। सैयद हसन खाजी ज़ादा हाशमी ने साबिक सदर हसन रूहानी के दौर में 2013 से 2019 तक ईरानी हुकूमत के वजीर सेहत के तौर पर खिदमत अंजाम दी। फारसी बाशिंदों के लिए एक अमरीकी खबर इदारे ने इस खबर को रिपोर्ट किया था जिसमें हाशमी को क्यूबैक की सियाहती सनत के लिए एक प्रोमोशनल वीडियो के स्क्रीन शॉट्स में हाशमी को मॉन्ट्रियल की सड़कों पर चलते हुए दिखाया है। सीटीवी न्यूज़ ने आज़ादाना तौर पर स्क्रीन शॉट्स की तस्दीक नहीं की। इमिग्रेशन मिनिस्टर का कहना था कि मिस्टर हाशमी इस्लामी जमहूरिया ईरान के साबिक वजीर सेहत को आर्जी रिहायशी के तौर पर कनाडा वापस आने और दाखिल होने से मना किया जाएगा। इमिग्रेशन एंड रिफ्यूजी प्रोटेक्शन एक्ट के सेक्शन 22 के तहत इमिग्रेशन वजीर को इख्तियार है कि वो किसी गैर मुल्की शहरी को 36 माह तक आर्जी रिहाइश से इनकार कर सकता है अगर ये अवामी पॉलिसी के तहफ़ुज़ात के मुताबिक जायज़ है। मिलर ने मजीद कहा, फैसला जैसा कि फर्द को बताया गया इंसानी हकूक के ईरान की बेतौकीरी से मुंसलिक है। ईरानी हुकूमत के इकदाम काबिल मज़म्मत हैं और जो जिम्मेदारियाँ उठाते हैं उनकी कैनेडा के माशरे में कोई जगह नहीं है। कनाडा के सूबा ओंटारियो के वजीर तालीम ने पीर को कहा कि 3 असातिज़ा यूनियंस को सूबे के साथ एक माहदे पर इत्तेफाक करना चाहिए ताकि वो हड़ताल से गुरेज करें। मजीद जान लेंगे इस रिपोर्ट में। ओंटारियो के वजीर तालीम ने पीर को कहा कि 3 असातिज़ा यूनियंस को सूबे के साथ एक माहदे पर इत्तेफाक करना चाहिए जो हड़ताल से गुरेज करे। स्टीफन लीचे ने कहा कि वो चाहते हैं कि वो यूनियन वही माहदा करें जो पिछले हफ्ते सूबे ने ओंटारियो सेकेंडरी स्कूल टीचर्स फेडरेशन के साथ किया था जो अंग्रेजी हाई स्कूल के असातिज़ा की नुमाइंदगी करती है। वजीर तालीम स्टीफन लीचे ने कहा, हम इस माहदे को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने जा रहे हैं ताकि हम खानदानों के लिए पेशन गोई के साथ आगे बढ़ सकें कि उनके बच्चे मुसलसल 3 साल तक बिला तातुल तालीम के लिए स्कूल में दाखिल होंगे। तीनों यूनियनों ने जुमे को एक मुश्तरका बयान में कहा कि वो फिलहाल सूबे की तजवीज़ पर गौर नहीं कर रहे। उन्होंने कहा कि प्रीमियर डग फोर्ड की हुकूमत ने गुज़िश्ता साल उनकी मौजूदा डील की मियाद ख़त्म होने के बाद से बहुत कम सौदेबाजी की है। यूनियंस ने कहा कि पॉर्ट कंजर्वेटिव हुकूमत ने हमारी यूनियंस के साथ ठोस बातचीत करने से मुसलसल इनकार किया है। हमारी अपनी मुतालिका सौदेबाजी की मेज़ों पर पेशरफ्त करने की हमारी बहुत कोशिशों के बावजूद, यूनियनों ने कहा। तीनों यूनियंस ने कहा कि वो स्कूलों में बढ़ते हुए तशद्दुद, ज़हनी सेहत की हिमायत और असातिज़ा की कमी को दूर करने जैसे मसाइल पर बामायनी बातचीत करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि पाबंद सालिसी सब कुछ गारंटी देगा, सौदेबाजी की मेज़ पर सामने लाए गए अहम मसाइल को हल नहीं किया जाएगा। OSSTF के साथ इस माहदे की अगर मेमरान ने तौसीक की तो 27 अक्टूबर तक सौदेबाजी जारी रहेगी। इस वक्त किसी भी बकाया मसाइल को पाबंदी सालसी के जरिए हल किया जाएगा, इस तरह हड़ताल से गुरेज किया जाएगा। स्टीफन लीचे ने कहा, वो ओंटारियो के एलिमेंट्री टीचर्स फेडरेशन, ओंटारियो इंग्लिश कैथोलिक टीचर्स एसोसिएशन और फ्रांसीसी निज़ाम में असातिज़ा की यूनियन AEFO के साथ भी यही माहदा करना चाहते हैं। वो इन में से 2 यूनियन से इस हफ्ते और दूसरे से अगले हफ्ते मुलाकात करने वाले हैं। लीचे ने कहा कि वो चाहते हैं कि दीगर यूनियन मुज़ाकरात पर तेज़ी से आगे बढ़ें। फ्रांसीसी निज़ाम में असातिज़ा की नुमाइंदगी करने वाली यूनियन ने पीर को कहा कि मुज़ाकरात की रफ्तार नाकाबिले कबूल हद तक सुस्त रही है और वो बाइंडिंग सालिसी पर मुश्तमिल माहदे पर रजामंदी के लिए तैयार नहीं है। अगर सौदेबाजी की तारीखों का अगला दौर 30, 31 अगस्त और 1 सितंबर को तयशुदा हल तला मसाइल को हल नहीं करता है तो यूनियन मुज़ाकरात को मज़ीद तेज़ी से आगे बढ़ाने के लिए तमाम मुमकिन ऑप्शंस का जायज़ा लेगी। उन्होंने कहा कि यूनियन हड़ताल की वोटिंग को मुस्तरद नहीं कर रही है। एलिमेंट्री टीचर्स और कैथोलिक टीचर्स यूनियन दोनों पहले ही खजा के लिए हड़ताल के वोटों की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। तबाहकुन समंदरी तूफान एडेला अमरीकी रियासत फ्लोरिडा की जानेब बढ़ने लगा है और कैटेगरी 3 या फिर इससे ज्यादा ताकत के साथ इसके लैंड करने का इम्कान है। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। तबाहकुन समंदरी तूफान एडेला अमरीकी रियासत फ्लोरिडा की जानेब बढ़ने लगा है और कैटेगरी 3 या फिर इससे ज्यादा ताकत के साथ उसके लैंड करने का इम्कान है। समंदरी तूफान एडेला फ्लोरिडा से पहले क्यूबा से टकरा गया है जहाँ तूफानी बारिशों और सैलाब से तबाही मच गई है और कारोबारी जिंदगी मौतल हो गया है। तूफान की वजह से लोग नकल मकानी पर मजबूर हो गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक
अमरीकी रियासत फ्लोरिडा ताकतवर समंदरी तूफान की जद पर है। फ्लोरिडा के गवर्नर ने तूफानी बारिशों से खबरदार कर दिया। अमरीकी मौसमियाती इदारे का कहना है कि 48 घंटों में तूफान फ्लोरिडा से टकरा जाएगा। फ्लोरिडा में 6 काउंटीज के लोगों को इलाका छोड़ने की हिदायत जारी कर दी गई है। तूफान इडेला की वजह से हवाओं की रफ्तार 100 किलोमीटर फी घंटा जबकि लहरों की बुलंदी 11 फीट से ज़ायद होने का इम्कान है। रिहायशियों ने तूफान से निमटने की तैयारी कर ली। यूटिलिटी स्टोर्स खाली हो गए और घरों में खाने पीने की अशिया ज़खीरा कर ली गई हैं। अमरीका में 5,000 साबिक फौजी पायलट्स के खिलाफ मेडिकल रिपोर्ट्स में तब्दीली करके तैयारे उड़ाने पर तफ्तीश जारी है। ज़ेर तफ्तीश पायलट्स नफसियाती आर्जे समेत सेहत से मुतालिका दीगर अमराज के लिए सहूलतें वसूल कर रहे थे। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। अमरीका में 5,000 साबिक फौजी पायलट्स के खिलाफ मेडिकल रिपोर्ट्स में तब्दीली करके तैयारे उड़ाने पर तफ्तीश जारी है। ज़ेर तफ्तीश पायलट्स नफसियाती आर्जे समेत सेहत से मुतालिका दीगर अमराज के लिए सहूलतें वसूल कर रहे थे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 2 साल कबल रिटायर्ड अफसरान से मुतालिका तफ्तीश कारों को वफाकी डेटाबेस में तजादात का इंकशाफ हुआ। फेडरल एविएशन एजेंसी ने 4,800 पायलट से तफ्तीश मुकम्मल करके आधे केसेस बंद कर दिए हैं। एक तरफ पायलट्स अपनी सेहत के मसाइल की बुनियाद पर हुकूमत से पैसे वसूल कर रहे थे तो दूसरी तरफ उन्होंने मेडिकल रिकॉर्ड में तब्दीलियां करके तैयारे उड़ाना भी जारी रखा। FAA तर्जुमान मैथिव लहनर का कहना है कि इनमें से 60 पायलट्स हवाबाजी के लिए शदीद खतरा थे और जब उनका रिकॉर्ड देखा गया तो उन्हें परवाज करने की इजाज़त नहीं दी गई। ज़ेरे तफ्तीश 600 पायलट्स मुसाफिर तैयारे उड़ा रहे थे जबकि दीगर के पास कमर्शियल लाइसेंस है जिनकी बुनियादों पर वो कार्गो और बड़ी शख्सियात के तैयारे उड़ाया करते थे। टैग टीवी के पाकिस्तानी स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैग टीवी।